दोस्तों, सांप एक रेंगने वाला जीव होता है जिसके पास पैर नहीं होते। ये सांप बहुत ही लंबे होते हैं और दुनिया के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें इनकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 3,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 600 से भी ज़्यादा प्रजातियां जहरीली होती है। आप सभी को पता है कि ये सांप अक्सर पेड़ पौधों वाली जगहों पर घूमते हुए दिख जाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनका जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके 50 से 60 दिनों बाद मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, और इस दौरान ये अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज करती है, ताकि कोई दूसरा जीव इसके अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जैसे ही इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मादा सांप एक बार में 10 से 15 अंडे दे देती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दुनिया में सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती है जो अंडे नहीं बल्कि सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो बिना मिलन के ही अंडे देने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद उन्हें हैच होने में लगभग 40 दिनों का समय लगता है, और इस दौरान ये मादा अपने अंडों की खास सुरक्षा करती है, और वो भी तब तक जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर ना निकल जाए। तो जैसे ही 40 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बच्चे अपने दांतों से अंडों की परत को चीरकर बाहर निकलते हैं, और इस तरह इन सांपों का जन्म होता है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं, और जैसे ही ये सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं, उसके बाद मादा इन्हें छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद ये बच्चे अकेले ही अपने जीवन सफर पर आगे बढ़ते हैं, और फिर अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे छोटे जीवों को खाना शुरू करते हैं, जैसे चूहे, छिपकली, मेंढक और भी कई सारे। और इस बीच ये 2 से 3 बार अपनी त्वचा को भी बदलते रहते हैं। और इस तरह ये 2 से 4 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। जिसके बाद ये फिर से मिलन कर अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 10 से 15 वर्षों का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।